नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर वन चैनल छत्तीसगढ़ समाचार। मैं हूं भिक्रम फुटे और चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। फेसबुक में महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर लाखों रुपए की ठगी। रायपुर सिविल लाइन थाना व साइबर सेल की टीम की ओर से पूर्व में भी इसी तरह की ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए आरोपी का नाम चार्ली मंगांजे फ्रांज सिंह 40 वर्ष व उनकी पत्नी लिंडा 30 वर्ष है। वे मूलतः उबलू नाइजीरिया के रहने वाले हैं। वर्तमान में रंजीत विहार दिल्ली में रहते थे। बताया जा रहा है कि ये दंपत्ति फेसबुक में फर्जी आईडी बनाकर अलग अलग नाम व फोटो लगाकर रखता था और महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाता था। इसके बाद वह महिलाओं से शादी करने का झांसा देकर पैसे की मांग करता था। इसी तरह आरोपी ने राजधानी के एक महिला को भी अपने प्रेम जाल में फंसाया है। विदेश ले जाने का झांसा देकर वीजा बनवाने व नागरिकता दिलाने के लिए पैसे की मांग किया, जिससे महिला आरोपियों के झांसे में आ गई और विभिन्न किस्तों में उनके खातों में 9,33,500 रुपये डाल दिए। जब आरोपी द्वारा और पैसे की मांग की गई तो महिला को ठगे जाने का एहसास हुआ। इसके बाद उसने उसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में की है। फेसबुक में कई फर्जी नामों से बना रखी थी आईडी। नाइजीरियन ठग से फेसबुक में कई अलग अलग नामों और फोटो डालकर फेसबुक में आईडी बना रखी थी। आरोपी महिलाओं से दोस्ती कर उन्हें विदेश ले जाने का झांसा दिया करता था। महिला जब झांसे में आ जाती तो फिर वो उनसे पैसे की डिमांड करता था। महिलाओं से पैसे लेने के बाद आरोपी अपना नंबर बंद कर देता था। आरोपी के पास से मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड और सैकड़ों फर्जी फेसबुक होने की जानकारी पुलिस ने बताई है।